ये इसमें जाएंगे हम, ये ऊपर जा रही है, ऊपर से फिर हमारे लिए वापस आएगी। स्टेशन है, अब बता पास कौन सा रेलवे स्टेशन है इसमें से, तू बताएगा तो बता बता बता। लाइन दिख रही है, लाइन जो दिख रही है वो जो दिख रही है, ये दिख गई पारस इधर, गोल्डन कलर की लाइट है जिस, हाँ लाइन के आगे ये वाली ना, ये वाली, ये आ गया कटरा स्टेशन। ये जा रहा है हेलीकॉप्टर। हेलो भाई साहब, फाइनली पहुंच गए हैं वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। ये सब उतर रहे हैं सारे। पहुंच चुके हैं, तो अब हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं वैष्णो देवी कटरा। तो यहाँ से अब हम जाएंगे ऑटो से होटल या फिर धर्मशाला, जो भी हमें मिलेगी कम प्राइस पे वो, फिर उसमें थोड़ा स्टे करेंगे, फिर चलेंगे माता रानी के दरबार पे चढ़ाई करेंगे। कटरा रेलवे स्टेशन तक ट्रेन जा रहा है। कटरा रेलवे स्टेशन की चढ़ाई देखो कुछ इस तरह है भाई। रेलवे स्टेशन की एग्जिट देखो कटरे की कितनी ज़्यादा है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रा रजिस्ट्रेशन यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर स्पार्ट के बिना एंट्री नहीं हो सकती है, तो पहले आपको ये कार्ड बनवाना पड़ेगा। सो अभी हमने कार्ड बनवा लिया यात्रा कार्ड, इसके बिना हमारी एंट्री नहीं हो सकती। तो इस कार्ड की जो बनवाने की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से 10 बजे तक की है, और अब हम एग्जिट कर चुके हैं स्टेशन से, कार्ड वार्ड बनवा के अब रेडी हैं। अभी जाएंगे होटल की या फिर धर्मशाला जो भी मिले वहाँ पे थोड़ा स्टे करेंगे, उसके बाद सीधा चढ़ाई करेंगे। ऐसा फोटो ले रहे हैं, चलो। तो यहाँ से अर्धकुंवारी भवन दिख रहा है, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये स्टेशन से ही दिखता है भाई। ये है ऑटो स्टैंड कटरा का, अब यहाँ से हम ऑटो लेंगे, उसके बाद जाएंगे कटरा चौक। अभी ऑटो रिक्शा का भाड़ा ही डिसाइड नहीं हो पा रहा, बट सब्जी मंडी लगी हुई है 320-520। तो अभी हम टैक्सी में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं फुहारा चौक, कटरा फुहारा चौक। वहाँ पे धर्मशाला वगैरह मिलेगी, ऑटो वाले भैया ने बताया है। तो हम सब बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं पुलिस प्लेसेस के अंदर। अभी हम कटरा फुहारा चौक पे उतर चुके हैं ऑटो से, तो ऑटो वाले ने लिए हमसे रेलवे स्टेशन से फुहारा चौक के 160 रुपये पर ऑटो, दो ऑटो करके लाए थे, सब उतर चुके हैं। अब हम धर्मशाला करेंगे यहाँ से, फुहारा चौक अभी बंद है, शाम को शायद चलता हो फुहारा यहाँ पे। शॉप्स है सूट की, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स इम्पोरियम शॉप नंबर 1 & 12 कटरा। यहाँ पे मार्केट है, तो ये कटरा ये रहा फुहारा, लेकिन अभी आज अभी चालू नहीं है, हो सकता है शाम को चालू होता हो। ये सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट है, होटल है, और यहीं पे धर्मशाला मिलेंगी। और ये चढ़ाई ऊपर अर्धकुंवारी की, ये मेन बाजार कटरे की एंट्री। तो अभी हम वेट कर रहे हैं गाड़ी के आने का, हमने होटल बुक किया है, ये भैया हैं वो जिन्होंने हमें होटल बुक कराया है। हम सब बैठ रहे हैं इस वैन के अंदर, कुछ ऐसा गेस्ट रूम है हमारा, वैष्णो देवी गेस्ट हाउस के नाम से है ये, तो यहाँ रुकने वाले हैं हम। ये काम चल रहा है इनका, बेड का, मैट्रेस का। तो कुछ इस तरीके का रूम है, तो इसका जो रेंट है ना वो है कितना बताया मैंने, 1100 ऑफ सीजन में 1100, और सीजन है तो एसी वाला, सीजन लगा है तो 1400-1500 रुपये के आसपास। ये बेड लगा हुआ है सुंदर सा, और ये रहा एक बेड इधर है, ये टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, बाथरूम है, मिरर है, और ये देखिए बाथरूम भी
क्लीन है, साफ सुथरा ही है। अभी आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं रूम का, तो रूम में कितने चार्जेस हैं? हमारे हमारे रूम में चार्जेस है 1200, ऑफ सीजन में 1200, अदरवाइज आपको सीजन में थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। हिसाब से डिसाइड है, सीजन के हिसाब से डिसाइड होगा। तो हमारा रूम तो अभी नीचे है, मैंने अभी आपको ऊपर वाली रूम की वीडियो दिखाई है, तो अभी नीचे वाले रूम की भी दिखाऊंगा। ये होटल है, विक्की साफ सुथरा है, स्टे करने के लिए अच्छा है। विक्की राखू क्या पसंद कर रहे हो? देर बाद सुकून मिला है बैठने का। अब हम फ्रेश होंगे, उसके बाद चढ़ाई करेंगे माता वैष्णो देवी की। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह भी करेंगे फ्रेश होप होके, तो मिलते आपको ब्रेकफास्ट में। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आलू के पराठे, चाय आने वाली है, फिर ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे चढ़ाई की ओर। माता ये आ गई हमारी चाय। तो अभी हम निकल चुके हैं होटल से बाढ़ गंगा की ओर, और अब करेंगे चढ़ाई माता रानी की। दरबार की जय। अपना थोड़ी स्पीड पकड़ के चलना पहले। ऐसी चढ़ाइयां चढ़ के जाना है हमें वो माता के दरबार में। अभी से इतनी चढ़ाई दिख रही है यार, आगे आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। ये सारी मार्केट है यहाँ की, कटरे की मार्केट है ये सारी। प्रसाद वगैरह मिलता है सारा, रेस्टोरेंट वगैरह है, ढाबा वगैरह है। खतरनाक चढ़ाई है भाई, अभी तो शुरू हुई है, तो स्टार्टिंग है। यहाँ पे घोड़े भी चलते हैं, खच्चर भी चलते हैं, अभी पालकी भी मिलेगी आगे। नायरा हेलो करते हैं, चलो टूटा है भारत का पैर, मुँह चाहिए ना, फ्रैक्चर है, फिर भी पारस चल रहा है, फ्रैक्चर। और क्या कहना है पारस? बस जय माता दी कहना है। जय माता दी बोलते बोलते चढ़ जाएंगे हम चढ़ाई है। जय पावन में जल्दी जल्दी चलो, एनर्जी नहीं आ रही। जब इंटरेस्टिंग की भी सारी यार, अभी से इतनी ओ बंदर 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 ये रहा बंदर। चढ़ाई देखो, अभी से ही खतरनाक चढ़ाई दिख गई, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। स्ट्रिंग भी क्या आ गया चाचा, तो है चाचा देखते हो, चलो ऊपर मत देखो। अभी हम किस रास्ते पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बाणगंगा की तरफ, बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ, क्योंकि हमने पहले आईडी कार्ड चेक कराने सबके, उसके बाद एंट्री होगी। चलो जी एंट्री का था, छोटा सा मंदिर है रास्ते में ही। ये सारे जूस पीने के लिए रुक गए हैं, बाकी बहुत दूर चलना है, जल्दी जल्दी कर लो। नायरा जूस पीना आपको भी? ओके नायरा को भी जूस पीना है। कितने हैं? 10 रुपए का है? आधे पैसे मिल जाते हैं। कितने हैं? 10 रुपए। 10 रुपए का है ना, सही है। अगर हम इधर से आए ना तो आंटी को वापस कर देंगे, वापस दे देंगे, क्योंकि देखो घर लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। चलो हमने डंडा भी ले लिया है, जय माता दी बोल के चढ़ाई कर लेंगे। सबके पास डंडा हो गया। कहाँ वो यहाँ से एंट्री हो रही है? डोगी नीचे ध्यान से आना, डोगी डोगी।
पर्स वगैरह घड़ी वगैरह मिल रही है पे। जब नीचे को उतर रहे हैं फिर ऊपर चढ़ाएंगे। आओ ध्यान से आना। लेकिन जा चुके हैं मार्केट पूरी। आओ मैडम आ गए। हेलो नायरा। हेलो। ये पूरी मार्केट है यहाँ पे। वहाँ जा रहा हूँ पे अर्धकुंवारी। और इधर आया मम्मी देखो गाइस क्या खूबसूरत नजारा है। चुन्नी चुन्नी लेनी है? लेनी है फिर बाद में आके यहीं बांध देना और क्या करो। हाँ तो देख लो लेनी है। चलो ले लो। कितनी सारी चुन्नियाँ बांध रखी यहाँ पे। ये गिरी पड़ी थी चीजें बांध रहे। हाँ जो लेके जाते हैं ना वही चुन्नी बांधते हैं। फोटो खड़े यहाँ पे ले जाने के लिए। अभी हमें नीचे जाना है फिर नीचे से फिर ऊपर जाना है माँ के दरबार में। ये चेक पोस्ट है तो गाइस ये मेन चेक पोस्ट है। यहाँ पे सारे कार्ड वगैरह चेक होंगे उसके बाद एंट्री की जाएगी। अभी हम लाइन में चल रहे हैं उसके बाद थोड़ा रास्ता ब्रॉड होगा हल्का सा चौड़ा हो जाएगा आगे जाके। इधर चेक होता है सारा कुछ। कार्ड कहाँ भाई आपका? कार्ड डालो। कार्ड उसमें डालना भाई। चेक होता है ना चेक पोस्ट में। पारस पैर का दर्द ठीक है? अभी बेटर हल्का फील का दर्द है। चल चले जाएंगे माँ का नाम लेके। यहाँ पे चेकिंग हुई कार्ड दिखाना पड़ेगा तभी एंट्री हुई। चेकिंग हो चुकी है तो एंट्री हमने कर ली है दरबार के मतलब अंदर जाने के लिए। ये एंट्री हो गई है अब यात्रा शुरू हो चुकी है हमारी। इधर कुछ भी नहीं है राजू क्लॉक रूम। ये पूरी मार्केट है। अब पूरी मार्केट चलो स्टार्ट हो गई। देखो पानी कहाँ से आ रहा है। हाँ बल्ले दो अरे माता दी। पास पानी भर रहा है अभी। कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे पानी आ रहा है। ये आ गया गुलशन गुवाहाटी सीज कंपनी शोरूम। बंद है क्या? ये है गुलशन कुमार जी का भंडारा यहाँ पर होता है। हाँ मनी भीड़ बहुत है। जय माता दी। बोलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अंदर जाने का रास्ता है गुलशन कुमार जी की। हाँ क्या करना है बताओ? जो बालगंगा का पानी आ रहा है ना वो बालगंगा यहाँ पे मतलब देखने के लिए कोई तो लंगर आके चले फिर आते हुए। चलो ये चलो क्या करो शेरा वाली दा गोल काके दरबार की जय। तो गाइस जयकारा लगाते हुए चल रहे हैं। ताकत अपने आप आ जाएगी चढ़ने की। हाँ अब नेक्स्ट आएगा अच्छा पालकी पिट्ठू के काउंटर की है। पालकी पिट्ठू और उनकी बुकिंग के लिए तो रेट कहाँ है उनका? ये रहा रेट मैं दिखाता हूँ आपको।
तो कुछ ये रेट है इनका, आप पढ़ लेना। चलो मैंने आपको दिखा दिया, जिसको पालकी टू पिक्चर वक्चर के लिए चाहिए तो यहाँ से बुकिंग कराए। भैया कितने चार्जेस है इसके, कितने चार्जेस है? 340 340। कितने सारे खच्चर खड़े हैं, आप आए तो इनकी सवारी लेकर दरबार पे जा सकते हैं इनके जरिए। आने वाला है यहाँ से, हम आगे निकल चुके हैं, यहाँ से हम आगे निकल चुके हैं, अब ये चेक पोस्ट पार कर दिया, चेक पोस्ट पार हो गई, हम जाएंगे ये बाणगंगा। तो अब जाएंगे हम बाणगंगा की साइड, वहाँ पर करेंगे स्नान, फिर आगे की ओर निकलेंगे माता के दरबार की भवन की साइड। नहीं पहले तो हरिद्वार निकलेंगे ना, पहले हम हरिद्वारी निकलेंगे, उसके बाद जाके हम सोचेंगे कि भवन के पास जाएं आ जाएं, कल सुबह जाएं, अभी चलते रहते हैं। तो अभी थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है चेक पोस्ट के बाद, खच्चर आते यार इनसे डर लगता है, लात ना मार। ये होती है पालकी, एक जना उधर से पकड़ता है, एक जना उधर से पकड़ता है, बैठना पालकी में। ये गाइस इस तरह ले आते पालकी के अंदर, उसके बाद मिलती है हमें मार्केट कुछ इस तरीके से, आप जो लेना चाहे ले सकते हैं, दरबार है इधर, माता का मंदिर भी है, कैप्स वगैरह की शॉप है। ये आ गए अब कुछ इस तरह के, यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं लोग थोड़ा सा। प्राचीन बाणगंगा मंदिर, ये रहा, हाँ मंदिर है, खड़ी चढ़ाई है, देखो जिग जैग करके चढ़ाई है भाई पूरी, यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। ये पारस तो सबसे पीछे आ रहा है, अब सबको दिखता आ रहा है। शुरू हो गई पूरी खड़ी चढ़ाई, अब थक रहे हैं भाई। ये देखिए मैं आपको नीचे का दिखाता हूँ, देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है। रेस्ट करने के लिए बैठ गए थोड़ी देर, प्यास लग रही है यार, अभी रेस्ट कर रहे हैं हम थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए, तो सोच समझ के आओ माता के दरबार में, हेल्दी हो तो ही आना। आप चढ़ाई चढ़ लोगे? मामा को बताओ। है नारा? वो सब थक गए। नारा जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई, जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, इनसे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, 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 सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मैगी वगैरह भी खा सकते हो, खड़ी चढ़ाइए देखो, जय माता दी। आते ही अब एंटर जाएंगे, या गए हम बाथिंग घाट, देखते हैं पे नहाने का है या नहीं, भीड़ तो दिख रही है। दोस्तों अभी हमें बाणगंगा में, ऐसा माना जाता है कि माता ने इस नदी में अपने बाल धोए थे, तभी से इस नदी का नाम बाणगंगा पड़ गया। और दोस्तों यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ और ठंडा था, काफ़ी मज़ा आ गया यहाँ पे स्नान करके, तो आप भी आइए, ज़रूर जाइए बाणगंगा। यहाँ से पानी आके यहाँ निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, पानी बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है ना, भीड़ तो ज़्यादा है।
ये पानी वही तो जा रहा है नीचे। नायरा ओए नायरा नहा रही है भाई। तो भैया नहाने के लिए उतर गए बाढ़ गंगा में। फोटोग्राफी चल रही है भाई। जाओ नहा लो। हाँ नहा लो नहा लो। बैठ जाओ यहीं पे बैठ जाओ बैठो बैठो। मम्मी फोन पर आएगी। ये चिल कर रहे भाई साहब, ये गाइड है हमारे। अगली बार हम करेंगे एक एक जोड़ी कपड़े अलग से लाएंगे ताकि और यहाँ नाम तो लेके आए लेकिन नेक्स्ट मंथ हाँ चलो ये पूरी फैमिली नहा चुकी है। अभी थोड़ा सा और मन कर रहा है नहाने का, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। माता रानी ने यही स्टे वो कर दिया, स्टे कर दिया। सब लोग आ रहे हैं, अभी भीड़ है। पहाड़ गंगा है, नज़ारा देखो, व्यू देखो कितना अच्छा है यहाँ से। नायरा मजा आया ना कि नायरा को मजा आया। हैप्पी होली हैप्पी होली। बोलो जय माता दी। उधर बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जोर से बोलो जय माता दी। तो ये मेरी प्यारी शिवानी। अच्छा मामा को किसी कर दो। मामा मेरे को किसी करो। नायरा तो अभी हम सब ने स्नान वगैरह कर लिया है, तो अब हम बाणगंगा से निकल रहे हैं चढ़ाई की ओर। अब हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी की ओर। ये देखो नायरा कैसे आगे चल रही है। नायरा जोर से बोलो जय माता दी। चढ़ाई काफी खड़ी है यार, और नागे काफी थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है, तो फिर चढ़ाई चढ़ गई है। अभी बहुत दूर है, 14 किलोमीटर की चढ़ाई है। अभी कम से कम चढ़ गए होंगे हम 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के आसपास। बाणगंगा में नागे मज़ा आ गया। इतना खूबसूरत मंदिर है चढ़ाई पर। हनुमान जी जय श्री राम। मैच हो गए है ना। उसके बाद तो ऐसे है। अब इसके बाद क्या आएगा? यूं है अभी है? अब हम पहुंचेंगे चरण पादुका। चरण पादुका तो अर्धकुंवारी कितना दूर है अभी? अभी अर्धकुंवारी हमारे पास यहाँ से है कोई 4 किलोमीटर नहीं, कितना 6 या 7 किलोमीटर। हाँ अभी भी Oh my God. अभी हम टोटल 14 किलोमीटर में से सिर्फ हम 3 किलोमीटर आए हैं। 3-4 किलोमीटर ही आए अभी तक।
अभी हम फ्रूट चाट रोटी में मसाला डाल रहे हैं। 30 रुपये प्लेट है इसकी। सब फ्रूट चाट एंजॉय कर रहे हैं। देखो गाइस अभी हम इतना ऊपर चढ़ गए। ये देखो तो अभी हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर। तो यहाँ से अभी 4 किलोमीटर और रह गया है इस बारी। यह चरण पादुका मंदिर जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे चढ़ाई खड़ी होती जा रही है ना पारस। आशा की किरण दिखी। देखिए गाइस बेटू अर्धकुंवारी फाइनली अब पहुंच गए हैं। भवन की साइड इस साइड ना तो अब हम इधर चले ना बेटू अर्धकुंवारी। हाँ ये भवन के लिए रास्ता है और ये अर्धकुंवारी के लिए रास्ता है। तो अभी हम अर्धकुंवारी जाएंगे उसके बाद भवन जाएंगे। माता जी बोलते हैं चलो बस अर्धकुंवारी पहुँचने वाले हैं। सारे थक चुके हैं बहुत बुरी तरह। तुम धक्का लगाओगे देखो कैसी हालत हो गई। हालत देखो कैसी हो गई है। जय माता दी जय माता दी। अरे पहुँचने वाले हैं दुकानी बहुत बुरी तरह टूट गए हैं। अर्धकुंवारी में भी एंट्री चेकिंग चेक पोस्ट है। यहाँ चेकिंग के बिना एंट्री नहीं करते। यहाँ पे सब एंट्री करा रहे हैं अपनी। गाइस सन इज अबाउट टू सेट और हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट अर्धकुंवारी। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से अर्धकुंवारी तेरी सत अर्धकुंवारी। पीछे ना हमारे अर्धकुंवारी और कुछ सामने का व्यू खतरनाक व्यू। और हम आए हैं पास आए हैं क्लिक करने पर। ये जो शेड्स है ओ ब्लू ब्लू शेड दिख रहे हैं। ये ब्लू शेड अरे बिल्कुल एंड में जो ट्रेल दिख रही है वहाँ से हम आए हैं। कहाँ से वो ब्लू शेड दिख रही है। अच्छा ये वाला दिस वन। हाँ यहाँ से आए हम। ये है हमारा स्टेशन रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम आए हैं। कितना वहाँ से कितना दूर रहा था ना पास में देखो कितना दूर है यहाँ से। चलो व्यू देखो अर्धकुंवारी का। हेलीकॉप्टर आ रहा होगा। हेलीकॉप्टर आ रहा होगा वो जा रहा हेलीकॉप्टर। कितना साथ दे रहा है अर्धकुंवारी से फिर होके माता के भवन जा रहे सनसेट होते हुए थोड़ी। तो हम कहाँ पहुँच गए फाइनली। फाइनली हम पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा जो कि त्रिकुटा पर्वत से पहले हैं जहाँ माता रानी ने भवन में से पहले 9 महीने बिताए थे गर्भजून की गुफा में। जो हमारे तो पीछे जो हमारे पीछे है मंदिर दिख रहा होगा। और अब हम हैं विश्राम स्थल के पास। अब यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे फिर थोड़ा कुछ खाना पीना चाय वगैरह पी लेंगे फिर अभी यात्रा स्टार्ट करनी है या फिर सुबह मॉर्निंग भवन में देखेंगे। हाँ तो दिखाता हूँ तुम्हें थोड़ा ऐसा ना देखिए इसलिए आपको मैंने बता दिया ये विश्राम स्थल है आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। पे आपको डिस्पेंसरी भी मिल जाएगी दुकारी पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं डिस्पेंसरी में। मेरी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है
रौनक है। रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आरती भोजनालय, सागर रत्ना और आगे भी है पूजा भोजनालय, बीकानेर वाला भी है, मैकडी भी है, तो जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप जाके खा सकते हैं। तो ये आपको अर्धकुंवारी पे मिलेगा सारा कुछ। ये आ गई हमारी पूरी फैमिली थक थका के अर्धकुंवारी तक। अब लग रही है भूख हमें। हाँ पार्टी भी देखते पार्टी अब तू रहेगी। कहाँ चलना है फिर, चलना कहाँ पर है बता दे। मैं सर सागर रत्न पे चलते हैं। सागर रत्न चले यहाँ से कहोगे भोजन। मुँह में पानी आ रहा देख देख के भाई। पूजा भोजनालय भोजनालय बीकानेर वाला मैक डी सब है यहाँ पे। ये लिस्ट है जो आपको खाना है इस करके खा सकते हैं। टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको पर्ची मिलेगी, उसके बाद आपको अंदर जाके खाना मिलेगा। इतनी देर बाद हम चाय और राजमा चावल खा रहे हैं सभी बैठ के आराम से। काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, अब थोड़ा चैन आया है खाने में, है ना। हालत खराब हो गई। तो अब अभी हम आए थे अर्धकुंवारी पे सेल्फ्री भवन पे डोरमेट्री के लिए पूछने पर, यहाँ पे पूरा हाउसफुल है और हम ढूंढ रहे हैं अभी भी कि कोई मिल जाए रूम, पर हमें इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है कि मुश्किल है रूम मिलना। देखते हैं कहाँ स्टे करने के लिए। आप आए तो ऑनलाइन पहले बुकिंग करा ले, हमारी तरह ढूंढ वरना घूमते रहेंगे। अर्धकुंवारी पे आपको शिव मंदिर भी देखने को मिलेगा। अर्धकुंवारी यही है, ये कंबल की लाइन है, कंबल लेने जा रहे हैं जी क्योंकि रूम का कुछ नहीं हो पाया। ये तो बहुत लंबी लाइन है यार। ये है अर्धकुंवारी मंदिर, इसके नीचे गर्भ जोन गुफा है। पहले यहाँ से टोकन लेना पड़ता है सामने से, ये रहा गर्भ जोन, पर्ची लेनी पड़ती है गुफा के लिए, उसके बाद तुम्हें इसके नीचे जाना पड़ता है दर्शन के लिए। वो देखो गर्भ जोन गुफा का रास्ता, ये नंबर चल रहा है अभी ग्रुप नंबर 640। तो ये लाइन कंबल की लाइन में लग रहे हैं हम अब, क्योंकि रूम का तो हो नहीं पाया है इस बार। भाई ये अर्धकुंवारी से शहर का व्यू देखो, कटरे का क्या व्यू है भाई साहब। वो रेलवे स्टेशन है शायद। कौन सा रेलवे स्टेशन है अब बता पास, कौन सा रेलवे स्टेशन है इसमें से तू बताएगा तो बता बता बता। वो जो लाइन दिख रही है, लाइन जो दिख रही है वो जो दिख रही है ये दिख गई पारस इधर, गोल्डन कलर की लाइट है जिस लाइन के आगे, ये वाली ना, ये वाली, ये हमारा रेलवे स्टेशन। ये नज़ारा देखो कितना प्यारा है यार, ये देखो गाने गाने की याद आ रही है। ये देखो भोर भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर बीच आरती जय मां। ये है कंबल स्टोर, यहाँ मिलेंगे कंबल, 100 रुपये पर कंबल है, सिक्योरिटी चार्ज और यूज़ करने के बाद दे दोगे तो आपको आपके पैसे वापस दे दिए जाएंगे। तो सुबह के 5:30 हो चुके हैं, तो हम जा रहे हैं अभी चाय पीने। हमने ब्लैंकेट वगैरह सारे डिपॉजिट कर दिए, अपने पैसे ले लिए, अब हम निकलेंगे यहाँ से चाय पी के सीधा भवन की भवन के लिए, यही से अर्धकुंवारी से। तो मिलते हैं अभी आपको चाय पीने के बाद। सारे पकोड़े पकोड़े कल के बाद चाय का कलर देखो, सुबह का नाश्ता पिनेट से बाद।
ऐसे भी तेरा दिखा? तो बच्चे दूध पी रही है, बच्चे दूध पी रहे सकल अच्छी आ रही है। तो अब हम जा रहे हैं रजपाड़ी से दर्शन करके माता रानी के सिटवान जाएंगे। भवन ये जो रास्ता है थोड़ा सा छोटा रास्ता है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, थोड़ा छोटा 5 किलोमीटर है ना, तो आपको 4 किलोमीटर का सस पड़ेगा यहाँ से। इस गुफा से निकल के जाना है हमें माता रानी के भवन। हर की जय। हवेली का रास्ता है गुफा के, यहाँ पे निकलोगे आप फिर ये रास्ता आएगा भवन के लिए। ये सब सो रहे हैं, हम निकल जाते हैं तो 9 बजे तक पहुँच जाएंगे दिन के। दरबार की जय। चलो बालू बन के दिखाओ। तो अभी हम सुबह के बज गए हैं 6:15, यहाँ तक पहुँचे भी आगे रास्ते में भवन के। तो सुबह सुबह यात्रा करने का थोड़ा सा फ्रेश एयर आ रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो भालू बन के आ रहे हैं कुछ लोग बंदर बन के आ रहे हैं मस्ती करते करके चढ़ रहे हैं माता रानी के भवन तक, और माइंड को भी ये नहीं लगाया कि स्ट्रेस हो रहा है या फिर थकान महसूस नहीं होगी। वहाँ से दिखेगा, वहाँ से कोने से सनराइज होते हुए दिखाते भी, अब वो देखो ना वो दिख रहा है नायरा भवन की ओर आते हुए। नायरा नायरा मामाओं चल रही है अपने आप ही ना। जय माता दी, 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 जय। तो ये देखिए सुबह सनराइज होते हुए माता रानी के हिमकुटी से अभी माता रानी के भवन पहुंचने वाले हैं। तो बस सुबह का नज़ारा देखिए कटरे का। तो गाइस हम हिमकोटी चेक पोस्ट पहुँच चुके हैं, बस कुछ ही देर में माता रानी के भवन पे पहुँच जाएंगे। थोड़ा कर करें ऐसा है कटेड़ा इधर से ये आइज है सारी, बस वो पीछे आइज देख लियो सारी। मैं यही बता रहा हूँ, दिखा बोल अब बोल। तो ये देखिए गाइस हम फाइनली मैया के भवन के बिल्कुल पास में ही पहुँच चुके हैं। ये देखिए यहाँ से कितना दूरी हो गई, 500-700 मीटर की दूरी पर है बस। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है मैया के भवन का। रात के टाइम तो अलग ही मज़ा आता होगा वैसे, बस हम सुबह के कितने टाइम हो रहे हैं 10 बजने वाले हैं, दर्शन करके फिर जाएंगे सीधा भैरव घाटी। तो चलते हैं, जय माता दी। तो फाइनली गए त्रिकुटा पर्वत, हम पहुँच गए माता के भवन पर। तो अब करेंगे दर्शन और मैया का भवन देख के मन काफ़ी खुश हो चुका है, तो सारे जयकारा लगाते आ रहे हैं। जय माता दी, 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 ताई भी बोले, जय माता दी, नाव भी बोले, जय माता दी, 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 जय
जय माता दी, 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 जय माता दी। ओ पत्थर पर्वत देखो कितने खतरनाक है, तेज चले, तेज चले। भवन का चेकिंग हो रही है, एंट्री कर ली है। ये पार्वती भवन दिखता है पहले तो, ये देखिए काफी भीड़ है। इस मैया के भवन का नजारा कितना खूबसूरत है, चारों तरफ देखिए पहाड़ी पहाड़। ये है त्रिकुटा पर्वत जहाँ पे मैया विराजमान है। ये रहा भवन, और यहाँ पे ये रहने के लिए पार्वती भवन, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं बोर्ड पे क्या क्या है पूरे भवन में। चलो जी पहुँच चुके हैं हम तो भैया के भवन, भैया के भवन बोरा इससे दिख रहा है आपके भैया का भवन। और ये सारे खड़े हुए सोच रहे हैं कि पहले क्या कर रहे हैं, नहा के फिर उसके बाद माता के दर्शन करेंगे, फिर जाएंगे भैरव घाटी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माता के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन करना बहुत जरूरी है, वरना यात्रा सफल नहीं मानी जाती। देखिए रोपवे की कितनी ज़्यादा लाइन है, तो हमारा जाना भी कैंसिल हो रहा है रोपवे से। हमें भी लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा, अभी देखने गए पीछे कितनी भीड़ है। ये है टिकट काउंटर, वहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन लेके आओगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको धक्के खाने पड़ेंगे लाइनों के। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं? हम खड़े हैं रोपवे की लाइन में। लाइन में वो कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर। तो भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि माता के दर्शन करने के बाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी कहते हैं कि यात्रा सफल मानी जाती है, वरना आपकी यात्रा असफल रहेगी। तो अभी लाइन में लगे हैं, धक्के खा रहे हैं क्योंकि हमने टिकट ऑनलाइन नहीं कराई थी, इसलिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो आप जब भी आओगे ना तो ऑनलाइन टिकट बुक करा के आए, क्योंकि धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। हाँ, फिर आपको इजीली रोपवे से आप यात्रा कर सकते हैं, भैरव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको रोपवे पे। रोपवे एंट्री 100 रुपये, भीड़ बहुत है। ये एंट्री गेट है रोपवे का, यहाँ पे चेकिंग हो रही है। लाइन लग रही रोपवे की टिकट लेने की, टिकट काउंटर रोपवे का कितने लंबे लग रहे हैं रोपवे की टिकट। वे टू रोपवे स्टेशन, रोपवे की टिकट हमने ले ली है सबने। अब हम बस पहुंचने वाले हैं रोपवे स्टेशन। ये टिकट है रोपवे स्टेशन, यहाँ पर आएगी रोपवे, ऊपर से आती है रोपवे स्टेशन पे। भीड़ देखो, सब वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। यारी कितनी सुंदर लग रही है ये, इसमें जाएंगे हम। ये ऊपर जा रही है, ऊपर से फिर हमारे लिए वापस आएगी। भैरव घाटी जा रही है। फाइनली हम पहुंच गए रोपवे स्टेशन। ये रोपवे अभी सब इसके अंदर बैठ गए हैं, अभी ऊपर जाने वाली है बस। ये देखो चल दे ऊपर की ओर। देखो जी ये लैंड होने वाली है रोपवे, जब नीचे की ओर आती है ना तो बहुत स्लो सी हो जाती है, ताकि किसी पैसेंजर को तकलीफ ना हो। और ये इनकी टर्न है, अब इनके बाद हमारी टर्न है। कितनी स्लो जाती है, इसमें आवाज़ नहीं आती, उस वाले में आवाज़ आती है।
तो हम सारे जितने भी है ना फर्स्ट पे खड़े हैं, हम फ्रंट लाइन में, सबके सब फ्रंट लाइन में आ गए। ये देखो सारे आ गए, पापा आ रहे पीछे, ये आ गए चाचा, सब आ गए, नायरा भी आ गई, पारस फ्रंट लाइन में आके मजा आ गया। कल जो बता रहे कर दिया था ऑनलाइन बुक किया था रात को 11:30 बजे हो गया था ना, सुबह वाला था कि शाम को था, सुबह वाला था लेकिन 12:30 बज गए थे। कोई बात नहीं, दिन भर करता है कोई सा भी हो, लेकिन सुबह वाला खाली नहीं मिला, खाली आवाज रहेगी उसमें। ये कितने लोग सांभाले में, सांभाले 5 रह गए, कैसे बुक करने को तो एक ही रह गए। हमने आपको सुबह वाले भी कर दो, 12:30 बजे घुस गए थे अंदर कर दिया था 12:30 बजे। मम्मी देखे नहीं, अच्छा कोई तो बोल दिया करो यार, मैं ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे कि यार ऑफलाइन में बैठे रहते हैं तुरंत ही, जैसे बाहर बंदा हो वहाँ स्पॉन कर दिया कर दो तो नहीं होता ना, ऑफलाइन है लेकिन उस टाइम पे ऑनलाइन ज्यादा हो तो क्या करेंगे, ऑफलाइन वाले ज्यादा हो तो जैसे हम लोग यहाँ से तो मेरे यहाँ से तो किसी को भी हमारा काम हो जाता है, उधर से नहीं होता है, उधर से भीड़ बहुत आती है, इधर से मैं याद है इधर से तो पूरा खाली है, एक बार 20 आदमी भेजे थे मैंने एक साथ, इधर से तो खाली है लेकिन उधर से नहीं कोई चीज़, उधर से नहीं, इधर से तो हेली से भेज देता हूँ, इधर से तो मिल जाएगा, इधर से पता है हमको इतना से लो आती है। पहुंच गए हम नैरो घाटी, कितनी देर लगी मुश्किल से? 3-4 मिनट लगे होंगे। तेल का पिक्चर में अमरीश पुरी चलता ना वो ही तो है। ये लैंड हो रही है धीरे 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 धीरे, कटरा से शुरू हो रहे, काम चालू होने वाला है इसका, ये बस वाच कैसे खाली हो गई यहाँ पे, सब लोग निकल गए। चलिए हम पहुँच गए हैं भैरव घाटी, अभी हम एक्सिट कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे दर्शन। ये यहाँ पे खाने पीने का सारा है, रेस्टोरेंट में कह रहा है जलेबी खा सकते हो आप, ब्रेड शॉप, यहाँ से कुछ भी लेना हो प्रसाद वगैरह, या फिर मार्केट है यहाँ पे घर वहाँ पे, लंगर के लिए जाना है तो जा सकते हैं आप। भीड़ है भाई काफी, ये है भैरव मंदिर, मेरा एंट्री गेट, भीड़ है काफी भैरव मंदिर पे। तो हम सब भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं, खाली था, भीड़ नहीं थी तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए हमारे, अंदर फ़ोन ले आना अलाउड है लेकिन फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अभी थोड़ा सा वीडियो शूट करेंगे और फोटो शूट करेंगे। होती है भैरव मंदिर, अंदर फ़ोन अलाउड है लेकिन वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो भीड़ है दर्शकों की। तो गाइस भैरव मंदिर से मैं दिखाता हूँ आपको हेलीपैड, ये देखिए हेलीपैड, ये रहा हेलीपैड, और अभी शायद हेलीकॉप्टर उड़ नहीं रहे, टाइमिंग होता होगा शायद इनका, सांझी छत है यहाँ से उड़ते हैं कटरे तक के लिए। तो
ये देखो ये हेलीपैड है, और जूम करके दिखाते हैं। यहाँ से उड़ता है और सीधा कटरे तक जाता है, सांझी छत है, और आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का कटरे का। देखो दिख रहा है ये, और पहाड़ दिखाता हूँ आपको। देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है, सामने भैरव मंदिर है, स्क्रीन चल रही है। वो देख, चाय पर है, देखो कितना खूबसूरत है भैरव मंदिर से। ये देखो नताशा फोटोज ले रही है, वीडियो बना रही है भी। हेलीपैड देखा ना, देख लिया। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ से दिख रहा है भैरव मंदिर से। बैक कैमरे से भी दिखा दिया मैंने आपको, अब हम भी फोटोज वगैरह क्लिक कराते हैं, मिलते हैं आपको कुछ देर में। जी भाई हमने दर्शन कर लिए भैरव बाबा के, जा रहे हैं वापस से रोपवे में नीचे माता के दरबार में, फिर वहाँ से जाएंगे पैदल आ रहे हैं, अब नीचे की ओर जाएंगे। पहले दरबार से भैरव घाटी आए थे, अब भैरव घाटी से वापस माता के भवन जा रहे हैं। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, भैरव घाटी से माता के भवन वापसी जा रहे हैं रोपवे से। ये देखो अगर पैदल आओगे तो सीढ़ियों से आना पड़ेगा, काफी खड़ी चढ़ाई है, इसलिए हम रोपवे से आए हैं। आगे डर लग रहा है, उतरते डर नहीं लग रहा ना, उतरते डर नहीं लग रहा। दो तीन मिनट क्या गिरा हुआ देख रहे हो, ये वो है चढ़ाई। ये देखो भाई ये पैदल आने वाले का रास्ता है, बस उतरने वाले हैं। ये रोकने के लिए लाइन लगी थी ऊपर आने के लिए, बस लैंड हो गए हम, उतर गए हम, लैंड कर गए सेफ्टी। हम रोपवे से उतर चुके हैं सेफ्टी, माता के दरबार वापस पहुंच चुके हैं, अब जाएंगे कटरा सीधा पैदल पैदल। इसको समझा आपने भाई, सब जाने के लिए रोपवे में लाइन लगा के खड़े हुए, हम आ चुके हैं वापस रोपवे से। कई बारी से निकलते जाओ। चाचा मम्मी कहाँ है, पापा आ गए, मम्मी भी आ गई, सारे लोग आ गए, मम्मी आ गए तेरी। तो गाइस हमने माता रानी के दर्शन कर लिए और भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए, अब हम नीचे जा रहे हैं कटरा चौक, वहाँ देखेंगे अगर टाइम मिला तो बाजार घूमेंगे, अदरवाइज हम रेलवे स्टेशन जाएंगे सीधा। हम लेकर आएंगे अपने दोस्तों के लिए अखरोट वगैरह, प्रसाद वगैरह ले जाएंगे ऑफिस के लिए। तो मिलते हैं आपको नीचे कटरा चौक, मिलते हैं। ये देखिए गाइस हेलीकॉप्टर का नज़ारा, ये लैंड हो रहा है सांझी छत पे, ये हो गया लैंड। देखो ये भाई मसाज करा रहे हैं मेरे भाई, ये है लताशा,
पारस कैसा लग रहा है? पारस मजा आ रहा है? कैसा महसूस करिएगा कि रिलीफ मिल रहा है? रिलैक्स रिलैक्स हो गई, रिलैक्स फील हो रहा है? तो ये वो शॉप है जहाँ से हमने सारा प्रसाद वगैरह लिया है, शॉपिंग वगैरह किए। तो ये देखिए ये वो शॉप है, सारा ड्राई फ्रूट वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे एक्सेसरीज मिल जाएगी, मूर्ति वगैरह फोटो वगैरह मिल जाएगी आपको, अखरोट वगैरह मिल जाएंगे अलग अलग प्राइस पे, 180, 220, 220, 150। ये इधर वाले हैं वो 250 रुपये वाला मिल जाएगा। तो हमारी यहाँ से सारी प्रसाद वगैरह हमने ले लिया है, सारी शॉपिंग कर ली, अब सीधा जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, लेट हो रहे हैं, हमारी ट्रेन है। तो आप ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मैंने ब्लॉग को एंड कर दिया था, बट तुम्हें मैं हरियाली दिखाता हूँ पंजाब की, काफ़ी थकान हो चुकी थी और फोन में चार्जिंग थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी हरियाली।